सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई चैनल शिवम फिटनेस ब्लॉग्स। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज ना लेग है, शोल्डर है और स्क्वाट्स लगानी है। आज मैं 130 स्क्वाट्स लगाऊंगा, 130 केजी के 6 से 8 रैप मारूंगा और 120 के 10 रैप मारूंगा। तो भाई एक चीज़ और बता दूँ, अगर जो मेरे 130 केजी के 6 से 8 रैप लग गए और 120 के लग गए 10 रैप्स, तो मैं अगले वीक में 150 का एक पीआर दिखाऊंगा आपको। एक पीआर लगेगा 150 का, आराम से उड़ाऊंगा एक पीआर। तो 130 का आज आई होप लग जाए 6 से 8 रैप्स। अगर जो 5 भी लग गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 150 का आपको दिखाऊंगा और 150 का पीआर अगले वीक आएगा। सो अभी जिम जाने से पहले मैं अपना प्री वर्कआउट मील ले लेता हूँ, तब जिम जाएंगे, अच्छे से कार्ब्स लोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि 130 केजी की स्क्वाट्स लगानी है तो कुछ तो होना चाहिए पेट में। तो चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पहली सबसे फर्स्ट मील दिखाता हूँ आपको, प्री वर्कआउट मील दिखाता हूँ, चलते हैं फिर। तो भाई जिम जाने से पहले मैं अपनी प्री वर्कआउट मील में, मेरे घर में वैसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, बनाना होगा बनाना खा लूँगा, ब्रेड होएगा ब्रेड खा लूँगा, ओरियो बिस्कुट होएगा बिस्किट खा लूँगा, पर यह है कि मैं खाली पेट कभी जिम नहीं जाता। तो आज ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि ब्रेड और मक्खन ले लिया जाए, तो मक्खन से थोड़ा हेल्दी फैट भी मिल जाएगा। और मैंने ब्रेड और मक्खन खाया था, ब्रेड और मक्खन खा के अभी फटाफट जिम चलते हैं। वैसे भी लेट हो गए हैं, आज 5:30 बज गए हैं, 5:45 बजने वाले हैं, तो फटाफट जिम चलते हैं। जो भी मेरे भाई वगैरह जिम वगैरह जाते हैं तो वो प्लीज़ खाली पेट मत जाओ, कुछ ना कुछ अपने खा लो। और कोई ज़्यादा फैंसी डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, कोई ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही प्री वर्कआउट कुछ, ना ही प्रोटीन वगैरह। मैं अभी कुछ नहीं लेता, सिर्फ और सिंपल डाइट लेता हूँ और कुछ नहीं लेता, घर की नेचुरल डाइट, इसी से ही मेरा गुजारा चल जाता है। और बहुत अच्छी खासी बॉडी बन भी रही है मेरी, स्ट्रेंथ भी अच्छी गेन हो रही है, धीरे धीरे होएगी पर ज़रूर होएगी, एक ना एक दिन तो पक्का होएगी। तो ये बात, ये डिपेंड नहीं रहे वो आपकी सप्लीमेंट होएगा तभी हम जिम जाएंगे, ये गलत बात है। तो एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको कि जो आप स्क्वाट बेंच प्रेस डेडलिफ्ट लगाते हो, तो डेडलिफ्ट के लिए तो कोई भी जूते चल जाते हैं, कोई भी मतलब जूते तो चले जाते हैं, पर स्क्वाट्स और बेंच प्रेस के लिए आपको ग्रिपिंग वाले अच्छे जूते चाहिए होते हैं, जिसमें अच्छी ग्रिप हो, क्योंकि सारा काम हमारे पैरों से ही होता है। ग्रिप अगर जो अच्छी होएगी जूतों की तो बढ़िया चलेंगे और बढ़िया आपकी स्क्वाट्स और बेंच प्रेस लगेगी, डेडलिफ्ट भी लगेगी। मेरे घर पे जो और शूज़ है उसमें अच्छी खासी कोई ग्रिपिंग नहीं है, तो इसमें रेसलिंग वाले शूज़ में बहुत अच्छी खासी ग्रिपिंग है। तो ये मेरे को 500-600 में मिल गए थे, आपको भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन ले लो या किसी स्पोर्ट्स की दुकान से मिल जाएंगे अच्छे खासे। और अगर जो आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो सिंपल स्कूल के पीटी शूज़ भी आते हैं जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रिपिंग होती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सस्ते मिल जाते हैं, 200-300 तक मिल जाते हैं। In the morning, grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'ma dive in. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead. Things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got. Sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop. Till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. तो भाई अब लोग हम जिम से आ गए हैं, तो अभी मैं डाइट वाइट ले लेता हूँ। डाइट में मैं दलिया ले रहा हूँ 150 ग्राम, और इसके बाद तो आधे घंटे बाद इसके छोले स्प्राउट्स लूँगा भीगे हुए।
तो भाई आजकल ना, क्योंकि मैंने शुगर वगैरह, शुगर एकदम ही छोड़ रखी है और कार्ब्स भी बहुत कम कर रखे हैं और प्रोटीन इनटेक अपना थोड़ा बढ़ाया है, हेल्दी फैट्स भी बढ़ाए हैं, क्योंकि जब से मैं जिम लगाऊँ मैंने अभी तक कटिंग करी नहीं अपनी बॉडी में, सिर्फ बल्किंग गेनिंग बल्किंग ही करी जा रहा हूँ और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। अब थोड़ा अपना बॉडी पे भी ध्यान देना है, कटिंग वगैरह लानी है, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है। 0% शुगर कर दिया है, कार्ब्स बहुत कम कर दिए हैं 2 वीक्स के लिए, क्योंकि अगर जो मैं महीना महीना छोड़ दूंगा तो महीना महीना वैसे होएगा ही नहीं, क्योंकि महीने तक नहीं कंट्रोल होता। तो मैंने सोचा कि 2 वीक्स के लिए करके देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैंने अपने पहले से कैलरीज वगैरह भी बहुत कम कर दी है, बहुत तो नहीं मतलब 500 कैलरीज तो कम कर ही दी है, जितनी पहले खाता था उतने 500 उससे 500 कैलरीज मैंने कम कर दी है। तो आप अपने अंदाजे से जो जो फूड खाते हो उसमें आप कैलरी काउंट करो और जितनी भी कैलरीज खाते हो तो उससे कम कर दो 500 कैलरीज अंदाजे से। तो यहीं पर ही करते हैं वीडियो को एंड, तब तक के लिए गुड बाय।